जय हिंद बच्चों, वेलकम टू राव कैरियर इंस्टीट्यूट। तो फिजिक्स लेक्चर की इस अगली सीरीज में हम लेके आए हैं आज कुछ क्वेश्चंस जो आपके CUT एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं वो भी इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें रखी हैं, ऑप्शन भी रखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। आज केवल और केवल हम क्वेश्चंस ही करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, चार्ज हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने पढ़ा हुआ है, मेथड ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ा हुआ है, कूलम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा हुआ है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इतने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन है, देखो जिन बच्चों को थोड़ा सा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेता हूँ हिंदी में। अगले जो आपके क्वेश्चन वाली सीरीज होगी उसमें आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लिखा पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1, एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज Q1 है, एग्जॉर्ट एफ फोर्स, है ना, कौन सी फोर्स लग रही है, एफ फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि विद्युत स्थैतिक बल लग रही है। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। फोर्स ऑन चार्ज Q2 जो किस पे है, रेस्ट पे है। ये जो Q2 चार्ज बेटा, ये किस पे आपका, रेस्ट पे है, ठीक है। लिखा अ पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1/4 इज प्लेस मिडवे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि ये चार्ज है ऐसे, ना यहाँ पे आपका Q1 चार्ज है और यहाँ पे आपका Q2 चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज हमने मान लिया वो R होने वाला, ठीक है। ये कह रहा जी, अब कह रहा है एक चार्ज है जो हमने इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, जिसका जो वैल्यू है वो है Q1/4 मिडवे बिटवीन, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ ये वैल्यू है आपका Q1/4 इसका वैल्यू, ठीक है। द इलेक्ट्रिक वो Q2 ड्यू टू Q1 विल बी, अब आपसे बोला गया है कि जो Q2 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही होगी, जरा सोच के बताइए आप लोग। इस Q1 पे इस Q2 की वजह से जो फोर्स कितनी लग रही है, जरा बता। देखो पहले केस में आप देखें ध्यान से, पहले केस में F फोर्स लग रही थी, जब ये Q1 चार्ज नहीं था उस केस में F फोर्स लग रही है। अब बताइए कि जब ये Q1/4 बीच में आ गया तो इस पे देखो ध्यान से, इस पे जो कौन है, Q2 पे Q1 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। तो कल हमने पढ़ा था आपके जो प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि यदि एक चार्ज पे इंडिविजुअल जो फोर्स है वो बीच में आपके नंबर ऑफ चार्जेस कितने भी आ जाएं उन वाले चार्ज से अफेक्ट नहीं करेगी। ध्यान से सुनेंगे, अगर ये बोलता है इस पे एफ नेट बताइए, ध्यान से सुने, अगर बोलता है कि इस Q2 पे आप एफ नेट बताइए, तब कुछ हम अलग से सॉल्व करते। कैसे करते, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालते, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालते, फिर हम डायरेक्शन चेक करते। इन दैट केस वी हैव टू डू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, बट इन दिस केस यहाँ पे बोला है Q2 पे Q1 की वजह से आपको फोर्स बतानी है, और पहले बोला कि जो Q1 एग्जर्ट कर रहा है किस पे, Q2 पे F फोर्स कर रहा है, तो अभी भी कितनी करेगा, F फोर्स ही करेगा, क्योंकि ये केवल इस वाले फोर्स की वजह से पूछ रहा है। किस वाले वजह से, Q2 पे Q1 की वजह से पहले भी कितनी लग रही थी, पहले लग रही थी 1/4 πε0 Q1 Q2 R² ये लग रही थी पहले F फोर्स, अभी भी सर इतनी ही लगेगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस पे जो इन दोनों चार्ज के बीच का जो इंडिविजुअल फोर्सेस है, व्यक्तिगत रूप से जो फोर्स लग रही है, अभी भी उतनी रहेगी। तो मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, F होने वाला है। ये तो आपका ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 due to 2 इक्वल टू क्या होगा, F on 2 due to 1, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। समझ गए बात आपको, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितना फोर्स पहले लग रहा था अभी भी दोनों चार्ज के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा, बट नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। अगर इस पे पूछता नेट फोर्स कितनी है तब हम उसकी बात करते हैं। समझ गए बात, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, चलो आगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
अ चार्ज क्यू इज एट टू बी डिवाइडेड इन टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर, है ना। एक चार्ज है जो डिवाइड किया गया है टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द स्पेस सो दैट व्हेन प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। कह रहा है इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आपको मैक्सिमम करनी है, तो आपको चार्ज की वैल्यू बतानी भाई साहब, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। क्या कह रहा है, चार्ज टू डिवाइडेड स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर, दो अलग अलग स्फेयर में, ये दो अलग अलग स्फेयर हैं, ठीक है, ऐसे कुछ। क्यू को इसमें क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, जरा देखिए ध्यान से। और सपोज हमने बोला इनके बीच का सेपरेशन हम ले लेते हैं, ये आर है, ठीक है, क्यू को ही डिवाइड किया गया, ध्यान रखें। तो बताना यदि मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स चाहिए, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स, तो क्या होगा, क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, जरा आप बताइए कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये होने वाला है, देखो ध्यान से, ऐसा होगा ना सर। अब मैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को के रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो के तो हर समय क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम आपका सेम है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू के क्यू वन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फिक्स कर दूं, है ना, सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने R फिक्स कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे सर जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। अगर दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई मैक्सिमम आ गई, इट मीन्स इन दैट केस फोर्स भी क्या लगेगी, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लगेगी, क्योंकि सर R और K क्या कर दिया हमने, एक बार फिक्स कर दिया। अब आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आने वाला है, मेरे पास आने वाला है थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन में 16, समझ गए, इन दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई ये करूँगा। अगर मैं ये करने वाला हूँ तो आप देखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन में 4, मेरे पास ये आने वाला है, समझ गए। और अगर मैं इन दोनों की करने वाला हूँ तो इस केस में मेरे पास कितना आने वाला है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 9 आने वाला है। और अगर मैं ये करने वाला हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 आने वाला, सॉरी मेरे पास आने वाला है क्यू स्क्वायर अपॉन में 16 आने वाला है, समझ गया आप बात को। अब आप देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, जैसे यहां देखिए ध्यान से, जिसका अगर आप देखेंगे, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि सर ये तो गया क्यू स्क्वायर बाय 9 है, ये क्यू स्क्वायर बाय 4 है, तो ये वाला भी गया और ये वाला भी गया, क्या समझ पा रहे हैं बात को। देखो यहाँ पे भी ऊपर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका क्यू स्क्वायर है, तो जिसका आपका हर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी हो जाती है, तो ये वैल्यू छोटी हो गई, हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो ये हो गया सर, ये वैल्यू छोटी हो गई क्योंकि 9 है, ये भी गया, ये इससे बड़ी, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 4 है, अगर मैं उसको इसके फॉर्म में लाना चाहूँ, 16 कर दूँ मैं नीचे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4q स्क्वायर अपॉन में 16, और ये वाली जो वैल्यू है ये है 3q स्क्वायर अपॉन में 16। तो आप देखिए इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो सर ये वाली वैल्यू बड़ी है, ध्यान से सुनेंगे आप। यानी कि हमने अगर q2 को बराबर ही बांटेंगे, अगर हम q1 q2 को बराबर बांटेंगे तो उस केस में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लगेगी। हमने केवल और केवल यहाँ पे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, CUET के बच्चे ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे बेटा, आपको बस लेंथी क्वेश्चन नहीं देता एग्जामिनर, बस आपका IQ लेवल ही चेक करेगा आप कौन से अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ गए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे केवल केवल और केवल ये पता करना कि दोनों चार्ज में से किसका, दोनों की मल्टीप्लाई किसकी ज्यादा आएगी, ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कल इस पर भी चर्चा की थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है, जरा फटाफट बनाइए ऐसे फटाफट। क्या लिखा है, फोर चार्जेस, जी चार चार्ज हैं सर, कितने सर, चार हैं जी, यहाँ पे चार नंबर ऑफ चार्ज हैं, चार चार्ज दे रखे हैं, अरेंज द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, स्क्वायर ABCD के फॉर्म में अरेंज किया गया है, एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज क्यू
कैप्ट एट सेंटर ओ, यहाँ पे बेटा जी एक चार्ज हमने रख दिया क्यू, सेंटर पे हमने एक चार्ज क्यू रख दिया, इस पे आपको नेट फोर्स बतानी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इस पे आपको नेट फोर्स बतानी है, जरा आप फटाफट करिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप देखो ध्यान से करेंगे कैसे, लिखा है जीरो अलोंग द डायगोनल ए सी, या अलोंग द डायगोनल पी डी, या परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी, साइड ए बी के परपेंडिकुलर लगे, हम देखते हैं क्या होता है। देखो जरा, देखो ये स्क्वायर है, लेट से इसकी अगर साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी, ये वाली साइड भी ए होगी, ये वाली साइड भी होगी, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। क्या ये कलर दिख रहा है सबको, ब्लू कलर दिख रहा है सबको, बिल्कुल दिख रहा होगा। अच्छा जी, अब जरा देखिए ध्यान से, हम जानते हैं ये जो है, देखिए माइनस है, इसने क्या बोला इसको, इसको प्लस, तो इस पे फोर्स कहां लगेगी, इसकी वजह से फोर्स लगेगी सर इस तरफ, भाई माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस क्यू इसको कहां करेगा सर, देखो ये प्लस है, ये भी इसको इसी तरफ धकेलेगा सर, ये भी इसको इसी तरफ धकेलेगा, दो फोर्स, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कलर कर ही देता है ना, ये भी इसको कहां धकेलेगा, कुछ इस तरफ धकेलेगा सपोज, ठीक है। ये देखो ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे क्यू का चार्ज नहीं बोला, हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, देख लेते हैं कितना था, तो देखो ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी बेटा प्लस है और ये प्लस है, तो इसकी वजह से ये वाला चार्ज भी कहाँ जाएगा, इसी तरफ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए हमको, हमें केवल आपको बस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना है, हमें केवल ये जानना है कि इस पे नेट इम्पैक्ट किधर की तरफ पड़ेगा, बस हमें वैल्यू नहीं बतानी। अच्छा, यानी कि इन दोनों चार्ज की वजह से ये सर इस तरफ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्यू है तो इसको कहाँ धकेलेगा, कुछ इस तरफ धकेलेगा, ये क्यू है जो इस तरफ धकेलेगा, और ये क्या है बेटा प्लस क्यू है तो उसको कहां धकेलेगा, कुछ ऐसे धकेलेगा, क्या समझ पा रहे हैं बात को। देखो ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो जितना इंपैक्ट ये इस पे दिखाएगा सेम इंपैक्ट ये वाला चार्ज इस पे दिखाएगा, इसलिए दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका जो नेट फोर्स बची इस पे जो एफ नेट है ये अलोंग डायगोनल किसके सर, डी बी डायगोनल के अलोंग होगी सर, है ना। तो हम कौन सा करेंगे, अलोंग द डायगोनल ऑफ बी डी, अलोंग द डायगोनल ऑफ बी डी, अलोंग द डायगोनल ऑफ बी डी, क्या समझ में आई बात को, हमें बस ध्यान देना है। हमने क्या बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ये सब, नीट के नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, CU2 में पूछे गए क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही लाए हूं आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं निकालनी थी, बस ये पता करना था डायरेक्शन से, अपोजिट नेचर और सेम नेचर की वजह से, कि भाई ये चार्ज किस तरफ जाने वाला है। कई बात सबको समझ में आई, अगेन कह रहा हूं, इस प्लस क्वेश्चन से ये इस तरफ जाएगा, इस माइनस क्वेश्चन से ये इसी तरफ आएगा, क्योंकि ये करेगा रिपेल, ये करेगा अट्रैक्ट, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा जो नेट फोर्स बचेगा वो केवल इसी और इसी डायरेक्शन में ही बचेगा, इसलिए ये जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स अलोंग द डायगोनल ऑफ बीडी, विकर्ण बीडी के अनुदिश ही लगेगी फोर्स। क्लियर, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, थ्री चार्जेस, अब सर पहले बार चार था, यहाँ पे तीन हो गए, तीन आवेश दिए हैं, फोर क्यू क्यू एंड क्यू, देखो एक तो दे रखा फोर क्यू, एक दे रखा कैपिटल क्यू, और एक दे रखा स्मॉल क्यू, आर इन अ स्ट्रेट लाइन द पोजिशन ऑफ जीरो एल बाई टू एंड एल, देखो ओरिजिन से बात कर रहे हैं ना, जैसे सपोज हम यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं, ये आपका ओरिजिन है यह, ठीक है। तो कह रहा है एक चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे आपका फोर क्यू, एल बाई टू पे एक दूसरा चार्ज हमने मान लिया, ये क्यू है एल बाई टू पे, और थोड़ा सा आगे जाने पे यहाँ पे हमने बिठा दिया स्मॉल क्यू को, क्या ये बात समझ में आई, ये तीन पॉइंट पे हमने चार्जेस को बिठा दिया सर, ठीक है। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो आपकी एल है सर, कोई दिक्कत है ना, ये वाले डिस्टेंस आपकी एल बाई टू, ये वाले डिस्टेंस आपकी एल बाई टू, इस ओरिजिन को मैंने ओ नाम दे दिया, नहीं नहीं सॉरी 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 ओ नाम नहीं दे रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने Q बिठा दिया, इसको मैं A नाम दे रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट को P, और ये ओरिजिन को मैंने O नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द Q विल बी जीरो इफ Q इक्वल टू, अब कह रहा है इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस पे F नेट जीरो कह रहा सर, कह रहा इस पे F नेट जीरो है ना, इस पे F नेट जीरो है, तो बतानी इस Q की वैल्यू बतानी है, सोच के बताओ कैसे निकालेंगे, जरा बताओ फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरा बताइए आप लोग, सोच के बताइए, सोच के बताइए फटाफट।
अब देखिए ध्यान से, अगर सर इस पे जीरो है तो देखो ये प्लस है, ये क्या है प्लस, देखिए ध्यान से ये प्लस है तो इसको 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 कहाँ धकेलेगा, इस तरफ रिपल करेगा ना, प्लस प्लस को क्या करेगा रिपल, ये लिख रहा हूँ मैं, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ओ पे जो बैठा हुआ चार्ज, कैसा लिख सकता हूँ मैं भाई, जो फोर क्यू की वजह से ये जो क्यू है ये इस तरफ जाने वाला है। दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी इसको उस तरफ धकेलता, पहली बात, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी इस चार्ज को कहाँ धकेलता, उस तरफ धकेलता, लेकिन इस पे तो एफ नेट जीरो है, इट मीन्स इस चार्ज को इस पे फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, इस तरफ लगनी चाहिए। तो अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी वजह से मैं लिखूंगा ये वाला जो फोर्स, इसको सॉरी थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, हैंग कर रहा है ये, ठीक है जी, ये क्यू है आपका। तो अब जो फोर्स लगेगी इस तरफ, इस तरफ जो फोर्स लगेगी वो वाली, वो लिखूंगा फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, है ना, उसको ऐसे फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ लगेगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं के, क्या लिख रहा हूँ, क्यू क्यू अपॉन में एल बाई टू का होल स्क्वायर, इस वाले का मैग्नीट्यूड इक्वल क्या होना चाहिए, के इंटू फोर क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, क्या ये बात समझ आ रही सभी को। इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स उस तरफ लग रही है, इस चार्ज की वजह से उतनी फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, इस तरफ लगनी चाहिए, ताकि इस पे एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर लिया, नेचर हमको पता लग गया सर, इसका नेचर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, यदि ये दोनों प्लस एंड प्लस हैं। तो आप देखो के से के कट जाएगा, क्यू से तो सर क्यू मर गया, एल स्क्वायर कट जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा फोर क्यू अपॉन में एल स्क्वायर इक्वल्स फोर क्यू अपॉन में एल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गया। देखो एल बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर चला आ जाएगा। तो देखो फोर से फोर कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि जो क्यू की वैल्यू है वो स्मॉल क्यू के बराबर होनी चाहिए, बस शर्त क्या है सर, इसका माइनस होना चाहिए। क्या बात समझ में है सबको, क्लियर हुई बात, नेचर क्या है, निगेटिव है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें बस यहाँ पे अगेन क्या करना था, इस पे एफ नेट निकालनी थी, इस पे एफ नेट निकालनी थी, इस चार्ज की वजह से ये जाएगा जिस तरफ, इस चार्ज की वजह से जस्ट उसके अपोजिट आना चाहिए, समझ गए बात, ठीक है जी। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है टू चार्जर ईच ऑफ वन कूलॉम, देखो यहाँ चार्ज की वैल्यू दे दी, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दे दी, दोनों क्या है वन कूलॉम इनका चार्ज है और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो बताने इनके बीच का जो फोर्स है कितना लगेगा। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे सर, एफ इक्वल टू अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर कुछ मीडियम ना बोला जाएगा तो हम मानेंगे वैक्यूम की बात हो रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 वन वन कूलॉम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये 1 किलोमीटर है बेटा, ये बहुत ध्यान से देखना, कई बच्चे तो यहाँ 1 रख देंगे, जरा देखे ध्यान से, ऐसे रख देंगे तो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन लिख देंगे आप आंसर, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किस में है, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर 6, तो कितना आ जाएगा, 9 × 10 की पावर 3 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आपका, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन इनको 9 × 10 की पावर 9 रखना चाहिए था, तो कुछ मजे मजा आता मतलब, समझे। तो कई बच्चे ये वाली गलती भी कर लेते, 1 किलोमीटर को एज इट इज 1 रख लेते और उनका आंसर मिल जाता, जो कि क्या हो जाता आपका, गलत हो जाता, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। देखो ये आसान क्वेश्चन में से एक था, बस इसमें अगर थोड़ा सा एग्जामिनर ऑप्शन चेंज कर देता तो बहुत मजा आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट,
टू चार्जेस प्लस टू कूलम्ब एंड सिक्स, देखो ये देखो इसका नेचर भी क्या है बेटा प्लस, इसका नेचर भी क्या है प्लस, दो चार्जेस जिनका नेचर क्या है प्लस प्लस है, वैल्यू दे दी, आर रिपेलिंग ईच अदर, ऑब्वियस बात है सेम नेचर है तो क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे ये दूसरे को विद अ फोर्स ऑफ, और कितने फोर्स से प्रतिकर्षित कर रहे हैं सर 12 न्यूटन के फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपल कर रहे हैं। इफ ई चार्ज इज गिवन माइनस टू कूलम ऑफ चार्ज, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर दोनों को माइनस टू कूलम ऑफ चार्ज दे दिया जाएगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो ये प्लस टू कूलम है और ये आपका प्लस सिक्स कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो कह रहा है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है इन दैट केस दिस इज 12 न्यूटन। अब अगर हम दोनों चार्ज को, ये कह रहा है देखो इफ ईच चार्ज यानी कि प्रत्येक चार्ज को माइनस टू कूलम ऑफ चार्ज दे दिया जाए तो नई फोर्स कितनी लगेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जरा देखिए करेंगे कैसे, बस देखो भाई इसको माइनस टू कूलम, पहले क्या था प्लस टू, देखो ध्यान से पहले प्लस टू कूलम था फिर माइनस टू कूलम दे दिया ये चार्ज, फिर ये क्या था प्लस सिक्स कूलम है माइनस टू कूलम और दे दिया तो ये चार्ज। अब आप देखिए यहाँ पे तो सर जीरो हो गया ना चार्ज, यहाँ पे भले चार कूलम हो गया, आप समझे ध्यान से, अब एक चार्ज तो है ही नहीं, दूसरा चार्ज भले चार कूलम, इनके बीच में कोई फोर्स लगेगी क्या, कूलम फोर्स को होने के लिए मिनिमम दो चार्ज तो चाहिए ना, एक चार्ज तो बिल्कुल जीरो हो गया, इसलिए फोर्स की तो बात होगी नहीं, इसलिए आपका फोर्स क्या होगा जीरो हो जाएगा, समझ गए बात आपको। अगेन देखो माइनस टू कूलम दिया तो एक दूसरे को क्या एल्जेब्रिक सम होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बीजगणितीय योग, आवेशों का क्या होता है बीजगणितीय योग होता है, नॉर्मली एल्जेब्रिकली आपके क्या होते हैं सॉल्व होते हैं, तो प्लस टू और माइनस टू मिलकर क्या बना दिए जीरो बना दिए, इसलिए यहाँ पे चार्ज रहेगा ही नहीं तो फोर्स कहाँ से होगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जीरो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को समस्या तो बताइए, उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81, इट्स परमेबिलिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्या दे रखा आपको, आपको पहचानना है, हर प्रकार का क्वेश्चन करवा रखा बेटा जी आपको, देखो ये 81 दे रखा है मतलब ये आपको एप्सिलॉन आर दे रखा है, इसी को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये 81 दे दिया आपको, आपसे पूछा जाएगा परमिटिविटी, वाटर की परमिटिविटी पूछा है, तो हम जानते हैं सर कि जो एप्सिलॉन आर होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या इस बात से आप सभी लोग अग्री करते हैं, क्या आप इस बात को अग्री करते हैं, यही होता है, तो अगर हमें मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा एप्सिलॉन आर इंटू में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, तो बताइए कितना होगा, एम के एस यूनिट पूछिए, मतलब जो आपकी एस आई होती है वही आपकी क्या होती है एम के एस होती है, तो एप्सिलॉन आर कितना दे दिया हमें, एप्सिलॉन आर हमें दे दिया 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, जरा फटाफट इसको सॉल्व करिए, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, बताओ भाई फटाफट बताइए, बहुत इजी है, बस ये केवल एक एक ऐसे क्वेश्चन केवल आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए दिए जाते हैं, बस आपको क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और देखना है वैल्यू कितनी आ रही है, तो लगभग ये आ रही है आपकी 716 पॉइंट कुछ आ रही है इंटू में क्या आएगा 10 की पावर माइनस 12, अब देखो यहाँ पे पॉइंट अगर आप पीछे ले जाओगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी प्लस में जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 7.16 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ऐसा कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आपका आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये नज़दीक है 7.16 के, इसलिए इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे फाइनलाइज करेंगे, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे, अगेन आपको बस यही ध्यान रखना था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको आप देखो नई चीज़ क्या है, इसको कभी कभी बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोला जाता है, समझ गए आप, तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेटा इस केस में, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, हालांकि जो स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं जनरली ये सब वैल्यू आपको दी हुई मिलेगी, आईसीएसई बोर्ड में तो मिलती है, सीबीएसई बोर्ड में भी मिलती है शायद, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन मेटेलिक स्पेयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, अदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर ऑफ योर एग्जैक्ट सेम मास, देखो एक मेटेलिक स्फीयर है
ठीक है, ये ए मेटेलिक स्पेयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको बोला, इसको दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम क्वेश्चन को लिखते जा रहे हैं। लिखा वेर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर ऑफ बी, एक दूसरा आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर है, सेम आइडेंटिकल का मतलब सेम मेटल का बना हुआ है। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ, सेम मेटल का बना हुआ है। एग्जैक्ट सेम मास ऑफ ए, यानी कि अगर मास ऑफ ए एम ए है तो यानी कि ये मास ऑफ एम बी के बराबर होगा। कई बात समझ में बात आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी, तो बोला है ए इज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, देन स्फेयर ऑफ बी ऑफ द एग्जैक्ट सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन एन, अच्छा पहले इनका मास सेम था, अब इनको एक को अगर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे को इक्वल अमाउंट में क्या दिया आपको, नेगेटिव चार्ज दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा दो है, पहले का केस ये है तो जितना चार्ज इसको दिया उतना ही नेगेटिव चार्ज इसको दिया। तो हम जानते हैं, जरा सुने ध्यान से, हमने ये कंसेप्ट भी क्लास में चर्चा किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है बेटा, अगर आप इसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, एम पॉजिटिव का मास क्या हो जाएगा, कम, फिर आ जाएगा एम न्यूट्रल, फिर सबसे ज़्यादा होगा एम निगेटिव का, क्योंकि निगेटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखेंगे जो निगेटिव चार्ज होगा उसका मास क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मास ऑफ बी इज मोर, ध्यान रखेंगे मास बी का क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। ए का मास क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज किया गया है। समझ में बात, पहले अगर दोनों का मास सेम था तो अगर एक का मास पॉजिटिव है और एक का क्या है, एक का चार्ज पॉजिटिव और एक का क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव वाले का मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देखो ये डिस्टेंस दे दिया आपको, ये आपको आर दे दिया गया और ये आपको फोर्स दे दिया गया, दो चार्ज हैं जिनके बीच का फोर्स लग रहा है इतना, उनके बीच का सेपरेशन ये दे दिया। इफ ईच चार्ज इज मूव टूवर्ड्स द अदर बाई 0.1 मीटर, अब वो एक दूसरे की तरफ इतने मीटर से आ जाते हैं, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, अब देखो ध्यान से यहां कर रहे हैं हम, ठीक है, ये आपका अगर टूवर्ड्स है तो यानी कि एक क्या होगा पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 0.06 मीटर है। तो बोला इस केस में जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 5 न्यूटन, तो पहले ये निकाल लेते हैं भाई फोर्स क्या होता है, 5 न्यूटन इक्वल टू के है ना, Q1 Q2 अपॉन 0.06 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, यही तो कह रहा हो, तो हम यहाँ से के Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होगा 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 6 अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, जिसको अगर इतना ही रहने दो आप फिलहाल, ये रहा आपका वैल्यू के Q1 Q2 का। ठीक है, अब कह रहा है कि एक दूसरे की तरफ ये 0.01 मीटर आ गए, चार्ज मूव टूवर्ड्स द 0.01 मीटर, अब देखो ये 0.01 मीटर यहाँ पे आया है ना, शिफ्ट हो गया, ये 0.01 ये आया और 0.01 ये आया, कई बात समझ में आया आपको, अब ये डिस्टेंस कितनी बची सर, तो दोनों को ऐड कर लीजिए आप पहले, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 0.02, इसको माइनस कर लो 0.06 से है ना, कितना आएगा 0.04, अब इनके बीच का डिस्टेंस बचा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना बचा हुआ 0.04 बचा हुआ, तो अब जो नया फोर्स लगेगा उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो कितना आएगा के भाई चार्ज तो वही रहेंगे के Q1 Q2 अपॉन में 0.04 का स्क्वायर, कई बात समझ में आई सभी को, देखो पहले वाले केस में जब सेपरेशन 0.6 का था, पहले वाले केस में जब सेपरेशन 0.6 का था तो उस केस में 5 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, उसको हमने लिखा बाई फोर्स बराबर क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हमें Q1 Q2 नहीं पता, के तो हम जानते हैं पर हमने एज इट इज इसको एज अ यूनिट की तरह ट्रीट किया, सिंगल यूनिट की तरह उसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू लगभग इतनी आ रही है सॉल्व करके। ठीक है, अब हमने क्या 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 कि ये चार्ज 0.01 शिफ्ट हो गया, ये वाला चार्ज भी 0.01 शिफ्ट हो गया, तो टोटल दोनों की तरफ से शिफ्ट होकर ये जो वैल्यू बची हुई इतनी है, ये आपकी 0.04 है। अब चार्ज यहाँ पे हैं,
अब यहाँ पे अगर चार्ज हैं तो इनके बीच की जो फोर्स लगेगी वो इतनी लगेगी, और के क्यू एन क्यू टू की वैल्यू बेटा यहाँ से हम पुट कर लेंगे, करेंगे कि ना करेंगे? कर दो सर, कर दिया। के क्यू एन क्यू टू की वैल्यू कितनी है? 5, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4, अगेन ये हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 10 की पावर 4। क्या बात समझ में आ रही सभी को? ये कैसे किया गया जरा बताइए आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना है सर, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कट जाएगा, इसको मैं देखता हूँ कितने में, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो 9 5 जा 45, 45 अपॉन में 4 कितना आएगा सर? 11 पॉइंट समथिंग आ रहा, ऑप्शन है कहीं? हाँ, 11.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कि दिक्कत है किसी को, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? क्लियर है? हमने बस क्या किया, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते चले गए। पहले सेपरेशन इतना था तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल के, जो हमारे पास अननोन बचा हुआ ये, इसकी वैल्यू निकाल ली। अगेन आप देखा कि 0.01 ये शिफ्ट हुआ, 0.01 ये वाला शिफ्ट हुआ, तो ये वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो हमने क्या कर दी, इन दोनों को जोड़ के 0.6 में से वो माइनस कर लिया गया, तो हमें वो डिस्टेंस मिल गई। अब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये वाला है। अब हम जो नया फोर्स आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है सर, ध्यान रखेंगे डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। इसलिए ज़्यादा तो लगेगी, कितनी लगेगी, क्योंकि सारी वैल्यू ज़्यादा दे रखी है। तो हमने ये के वन क्यू टू की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ रखी, सॉल्व किया, तो हमें आंसर मिला 11.25 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, फॉर्मूले याद भी अच्छे से होने चाहिए। चले आगे। ओके, क्या लिखा? When, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से हटा दिए गए तो चार्ज ऑन इट, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा सर? देखो ध्यान से, ये है ये, अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या रिमूव कर दिए गए, कितने 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए हैं, तो बताओ कितना चार्ज आएगा? आप देखो ये तो आप समझ गए, बहुत अच्छा। अगर यहाँ से सर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिमूव किए गए हैं तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे? क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्या लिखेंगे? प्लस माइनस एन ई, बहुत अच्छी इक्वेशन है ये, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखो क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे 10 की पावर 19, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्या अच्छा क्वेश्चन दिया सर, देखो यहाँ आ जाएगा कूलम, आप देखो 10 की पावर ये से ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा प्लस 1.6 कूलम। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटे नंबर में लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं 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 क्या होगा, ये रिमूव किए गए हैं, हटा दिए गए हैं, तो एक ऐसा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखो हमने कौन सा इस्तेमाल किया, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन का इस्तेमाल किया कि भाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। समझ गए बात आपको? देखो हमने कोशिश की है जितना टॉपिक हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन मिले आपको, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिले, ऐसा भी नहीं है कि कोई इस तरह के क्वेश्चन लाए हों, ये सारे वही क्वेश्चन है जो नीट सीयूटी अन्य सभी राज्यों के स्टेट बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप अगर अच्छे से करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत आने वाली है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? आप चाहो तो पानी वानी पी सकते हैं, एक मिनट का आपके लिए ब्रेक है, फिलहाल आप पानी पी सकते हैं, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट का ब्रेक है आप लोगों के लिए, फटाफट सर।
चलो पी लिया आप लोगों ने, चलो देखिए ध्यान से। अब है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड है, दो टू माइक्रो कूलाम है और उनके बीच का सेपरेशन 0.5 है, ठीक है। बोला गया कि दोनों क्या हैं, वैक्यूम के अंदर हैं, तो बताना फोर्स कितनी लगेगी। जब वैक्यूम के अंदर की बात की जाएगी इट मीन्स 1/4π ε0 की वैल्यू कितनी ले ली जाएगी, 9×10⁻ ले ली जाएगी। Q1 Q2 हमने क्या रखा, 2×10⁻¹, क्योंकि कहीं पर अगर माइक्रो लिखा है देन माइक्रो का मतलब है 10⁻¹, प्रीफिक्स है, ऐसा ही प्रीफिक्स है, माइक्रो का मतलब 10⁻¹। देखें ध्यान से, अगर माइक्रो लिखा है तो इसका मतलब है 10⁻¹, नैनो लिखा है तो 10⁻¹, जो पूछे जाएंगे, पीको लिखा है तो 10⁻¹। ये तो आपके पूछे जा सकते हैं, कैपेसिटर में होंगे, आपके चार्जेस में होंगे, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा ही प्रीफिक्सेस है। तो दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस इनके बीच का 0.5 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट। सॉल्व कैसे किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा देखो ध्यान से भाई, देखो 9 ये आ जाएगा 36×10⁻³ और ये आ जाएगा बेटा 25/100। क्या बात समझ में आई सबको, ये कितनी बात समझ में आई भाई सभी को। देखो 0.5 × 5/10 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 10 का क्या हो जाएगा 100, 9×4 क्या होगा 18, 18×2 = 36, तो लिख दिया 36, 9 − 6 − 6 = 12, −12 + 9 कितना हो जाएगा −3। अगेन आप देखिए, क्या देखिए सर, 25 × 100, ये चार कूद के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 10⁻¹³ न्यूटन। क्या ये ऑप्शन में है कहीं, क्या बेटा जी ऑप्शन में है कहीं, हाँ जी बिल्कुल है, देखो वो −3 है, पावर हटा देंगे तो 0.144 न्यूटन हो जाएगा। क्या बात समझ में आई सभी को, बताओ ये बात चमकी कि नहीं चमकी आप लोगों को, क्या ये बात चमक रही है, चमकनी भी चाहिए सर, इतने आसान क्वेश्चन है, अगर यही गलत कर दोगे आप तो फिर एग्जाम में बहुत पीछे रह जाओगे आप, इसलिए आपको ध्यान देना है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, अच्छे क्वेश्चन, मतलब अच्छे का मतलब यहाँ पे वो है, आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, टफ क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो रैंक उतना अफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर इजी क्वेश्चन गलत कर दोगे तो रैंक बहुत पीछे आ जाएगा आपका। इसलिए आपको मतलब इजी क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही जाना है, उनकी प्रैक्टिस बराबर करनी है, इजी क्वेश्चन में बस एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन में ही फंसा सकता है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं फंसा सकता, ठीक है। देखो ये अगेन ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन था, देखो 3 चार्जेस आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे इक्विलेटरल कह रहा सर तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी ए, ये वाली भी क्या होगी ए, एंगल कितना हो जाएगा बराबर 60 डिग्री हो जाएगी, ये चीज़ हमको समझ लेनी चाहिए तुरंत के तुरंत। As shown in the following figure, the force expressed by the charge placed at the vertices A in direction of normal to the BC. हाँ जी, इस ए, इस पे ये जो चार्ज बैठा ना, इस पे नेट फोर्स बतानी है आपको, इस पे नेट फोर्स बतानी है कि कितनी नेट फोर्स है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कंसेप्ट पता है तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप देखिए सर, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला चार्ज इस तरफ आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, हम लिखेंगे के क्यू स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 क्या हो जाएगा Q²/A²। क्या ये बात समझ में आई सभी को, ये हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगेन देखो बेटा, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है सेम है, तो इसको ये ऐसे रिपल कर देगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी, और ये कितने होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। कई बात समझ रही है सभी को, अब आप देखिए ध्यान से, बहुत मजे की बात है, हमें यहाँ देखिए, अगर आप देखिए, देखो दो वेक्टर हैं, कुल मिलाकर वेक्टर पे बात आ गई, देखो एक फोर्स ऐसी लग रही है और एक फोर्स ऐसी लग रही है, ये वाली फोर्स कितने, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये है, और ये वाले भी कितने बेटा जी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये भी है। अब देखो ये वाला एंगल अगर हमें मिल जाए तो क्या बात बन जाएगी, क्योंकि हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता। अब आप देखो ये 60 है, ये कितना होगा 60 होगा, ये कितना होगा 60 होगा, तो इसको आप देख के बता दोगे ये कितना होगा सर, भाई पूरी लाइन में 180 बनता है, ये पूरा 180 है, तो ये वाला कितना बचेगा, ये बचेगा 120, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको 120 मिल गई। अब बचा ही क्या, अब क्या बचा बताओ आप, तो हम लगाएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है R=√ओवर क्या लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो होता फॉर्मूला लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब ए कितना है के क्यू स्क्वायर, सॉरी क्या होगा ये के क्यू स्क्वायर लिखा, हाँ ठीक है,
ठीक है जी। तो अगर मुझे थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ रूट ओवर, क्या लिखूंगा इसका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या होगा क्यू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, यही तो होगा कॉस ऑफ 120 डिग्री, और कॉस 120 तो माइनस 1/2, तो देखो माइनस 1/2 यानी कि मैं अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले लूँ सर यहाँ पे, तो हमारे पास ये था, क्या था मैं फिर से लिख दे रहा हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि क्यू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फिर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एन टू कॉस ऑफ 120 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखो सॉल्व अगर करने चलें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर देखो का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, क्योंकि कॉस 120 क्या होता है माइनस 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ जी कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? क्योंकि 1/2 से 1/2 कट गया, देखो ये वैल्यू सेम है तो कट कटा कट 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 कट, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि रूट ओवर से रूट ओवर कर, ये आपका वैल्यू है जो कि किस तरफ लगेगा, जो कि किस तरफ लगेगा, देखो किस तरफ लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा है ना, इस तरह से देखो, इस तरह से लगेगा, ऐसे लगेगा। तो अब देखो के 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, माइनस क्यों बोला, क्योंकि इस वाला डायरेक्शन देखो, ये वाला डायरेक्शन आपका क्या है पॉजिटिव है, तो जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा है निगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा, इसलिए आपका आंसर नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बस आपको वेक्टर की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, बाकी बात बन जाती है, ठीक है। अब लिखा 5 बॉल नंबर्स 1 to 5, देखो 5 बॉल हैं आपके पास जिनके नंबर 1 to 5 किए गए हैं, ठीक है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इनके अंदर नंबर्स भी लिख देते हैं। नंबर ये 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर, ये 5 बॉले हैं ऐसे बता। आप क्या बोला है, आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स पेयर 1, 2, 2, 4। आप देखो किस किस के पेयर, देखो 1 और 2, देखो 1 और 2 ये क्या दिखा रहे हैं अट्रैक्शन, और दूसरा पेयर क्या दिखा रहा है अट्रैक्शन 2 और 4 ये भी क्या दिखा रहा अट्रैक्शन, और कौन सा दिखा रहा 4 और 1 ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं सारे अट्रैक्शन, देखो ध्यान से। और जो पेयर हैं 2, 3 और 4, 5 पेयर कौन सा 2, 3 और, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये 4, 5 ये दिखा रहे हैं सर रिपल्शन है ना, दोनों पेयर में देखो दो नंबर की बॉल और 3 नंबर की बॉल क्या दिखा रही है, अगर इनको ऐसे रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल का मतलब अब आप समझ गए होंगे, इन दोनों पे सेम चार्ज होगा, इन दोनों पे सेम चार्ज होगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे हमने बोला था अट्रैक्शन जब भी होगा, बहुत मजे की बात है यहाँ पे देखो, अट्रैक्शन जब भी होगा तो एक तो ऐसे दोनों पे अपोजिट चार्ज हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है, रिपेल नहीं होती, यह तो श्योर है इन दोनों पे सेम नेचर का चार्ज, या तो दोनों माइनस माइनस, बाय पॉसिबिलिटी क्या है, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, एक प्लस होगा तो दूसरा प्लस होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा प्लस होगा, लेकिन ऊपर वाले में कंफ्यूजन है। अब हम देख लेते हैं क्या है, तो 2 और 3 में देखो 2 और 3 का सेम चार्ज होगा, ये तो क्लियर है। अब देखो तो 1 और 2 में अट्रैक्शन हो रहा है, 2, 4 में अट्रैक्शन हो रहा है, 4, 1 में क्या हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, 2, 3 में क्या हो रहा है रिपल्शन हो रहा है, 4, 5 में भी रिपल्शन हो रहा है, तो हमें किसका चार्ज बताना है,
अच्छा ए का चार्ज बताना है, ए बॉल पे कौन सा चार्ज होगा इसकी चर्चा की जाएगी, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा या मेटल का बना हुआ होगा, ये आपको बताना है। ये तो खैर ऐसे दे रखा है, मेटल पे चार्ज नहीं होता क्या, मेटल बॉडी चार्ज होती है। तो बताइए देखो ए और इस पे माना, देखो इन दोनों के बीच में अपोजिट नेचर का चार्ज हो सकता है। देखो जो चार्ज इस पे होगा, आप देखो ध्यान से, देखो इस पे अगर सपोज नेगेटिव है तो इस पे चांसेस हैं, एक तो ये न्यूट्रल हो सकता है और ये इस पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। हमने एक माना, ठीक है, समझने के लिए करें, अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे क्या हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। अब देखो अगर बेटा इस पे नेगेटिव है तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गया बात, अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव नहीं हो सकता। देखो क्योंकि ये अगर ये इसके हिसाब से इसको पॉजिटिव मान लिया जाएगा तो ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अगर मैंने इस पर पॉजिटिव माना, अगर इसको नेगेटिव मानता, सपोज मैंने इसको नेगेटिव माना कि भाई ए पे नेगेटिव है तो बी पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अगर बी पे पॉजिटिव है तो इस पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और इस पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव है तो फिर उस पे पॉजिटिव होना, यानी कि चार और एक पे अपोजिट नेचर के चार्ज हो सकते हैं, चार्ज और एक पे अपोजिट नेचर के चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। पांचवा जोड़ा नहीं दे रखा, और दूसरी बात अगर इन दोनों के बीच में क्या है, सेम सेम सेम, या तो ये माइनस माइनस हो सकते हैं या ये प्लस प्लस हो सकते हैं, तभी ये रिपल्शन शो कर सकता है। तो हमें ये बताना है कि ए पे कौन सा चार्ज हो सकता है, तो ए पे भाई हमें ये श्योर करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। तो दो और तीन पे लग रहा है रिपल्शन, चार और पांच पे भी लग रहा है रिपल्शन, इट मीन्स आप देखिए इस ए पे न्यूट्रल चार्ज होगा, इस ए पे न्यूट्रल चार्ज होगा, कैसे होगा आप देखिए आप ध्यान से, क्योंकि सर यहाँ पे देखो केस अलग अलग बन रहा है, एक पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव होना चाहिए, और इस पे नेगेटिव है तो दूसरे पे पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चार और पांच क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दो और तीन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देखो दो पे जो चार्ज होगा वही सेम चार्ज किस पे होगा, तीन पे होगा, भाई रिपेल कर रहे हैं, या तीन अगेन चार पे जो चार्ज होगा वही सेम चार्ज किस पे होगा, पांच पे होगा, इसलिए पॉसिबिलिटी किसकी बन जाती है, ए पे क्या चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल चार्ज होना चाहिए, तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ गए बात आपको, तो इसलिए ध्यान रखेंगे ए बॉडी पे जो चार्ज होगा वो आपका न्यूट्रल चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा, इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस एट अ फोर कॉर्नर स्क्वायर ऑफ अ लेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज विल बी, अगेन ये तो बहुत ईजी है, इसको आप कर लोगे, करा रखा है, ये कॉर्नर है ऐसे, ठीक है। अब क्या बोला, इक्वल चार्ज है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है, कॉर्नर आपका क्या ए साइड मान लो आप, क्योंकि इसने ए माना हुआ। आपको बताना है कि बी पे जो बैठा हुआ है ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है, तो क्या करना हमें, हमें क्या करना है, हमें करना देखो बी वाला ए की वजह, अगर दो सबका इक्वल चार्ज यू आर प्लेस फोर कॉर्नर, अगर सबका सेम नेचर है तो देखो ये रिपेल करेगा ऐसे, इसकी वजह से ये रिपेल करेगा ऐसे, तो इन दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वजह से भी ये रिपेल करेगा ऐसे, है ना। तो यानी कि कुल मिला के जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है रिजल्टेंट, बोलो क्यों, क्योंकि देखो ये रिपेल करेगा ऐसे अलॉन्ग दिस लाइन, ये वाला रिपेल करेगा अलॉन्ग दिस लाइन, और ये वाला इसको रिपेल करेगा अलॉन्ग दिस लाइन, तो यानी कि तीनों की वजह से जो देखो इन दोनों का रिजल्ट निकाल लोगे, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, इन दोनों का रिजल्ट इनके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा, जैसे हमने किया था अभी जस्ट प्रीवियस, ये क्वेश्चन करा चुके हैं इसलिए इसको नहीं करवा रहे हैं आपके लिए एच डब्ल्यू के तौर पर। समझ गए बात आपको, क्लियर है। नेक्स्ट, अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू, देखो ये चार्ज है, ये क्यू है बेटा जी, ये क्यू है, ये ए पॉइंट पे है और ये बी पॉइंट पे है, और इनके बीच का सेपरेशन सपोज एल मान लो, ठीक है, टू सेंटर ऑफ द लाइन है, देखो ये सेंटर पे रखा है चोर चार, ये सेंटर पे रखा है क्यू चार रखा, कह रहा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो कल हमने करा रखा था अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो इस पे जो लगने वाला, देखो बी पे हम पकड़ लेते हैं, बी पे लगने वाले फोर्स क्या होंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर होगा, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी के क्यू वन क्यू टू दोनों सेम है तो क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर बराबर, इसकी वजह से जिस पे जो फोर्स लगेगी भाई उसका नेचर क्या होना चाहिए, अगर ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस मतलब वैल्यू तो सेम रहेगी के क्यू अपॉन में
एल स्क्वायर बाई फोर होगा कि नहीं होगा जरा बताओ फटाफट। अब आपकी इतनी स्पीड हो जानी चाहिए कि तुरंत के तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए। तो देखो के क्यू से के क्यू कट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा सर क्यू इक्वल टू क्यू बाई फोर, क्यू इक्वल टू क्यू बाई फोर, और नेचर क्या रहना चाहिए उल्टा होना चाहिए, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ गया बात आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्वेश्चन, द फिगर शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी, किसी बॉडी से कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ए एंड ई बी रिस्पेक्ट इन देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, देन ए और बी की डिस्टेंस क्या बेटा आर है, ठीक है तो बताना है दो दो बार क्यों बनाएंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जरा बताओ। अब आप देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो हमने क्या बोला था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या बताती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे घनी घनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा होगी, और जहां पे दूर दूर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होंगी कम 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 होती चली जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे आपका क्या क्लोज क्लोज है, देखो यहां पे आपके क्लोज क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसलिए यहां पे ई ए क्या होगा ग्रेटर देन ई बी हो जाएगा। समझ गए बात आपको, कोई दिक्कत, यहां लिखा ई ए ग्रेटर देन ई बी अपॉन में आर, ये क्या था देखो, ये तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, तो इट मींस हमारा बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी के कंपेयर में क्या है ज्यादा, इसलिए ई ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ई बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अ चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल ट्रेवल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए रेडी है, मतलब फ्री है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो बताना है कि उस पर फोर्स, सपोज करो हमें बना दे रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब बोला एक चार्ज को छोड़ा इस पर, तो बताना है किस तरफ जाएगा, बताओ चार्ज किस पे जाएगा, ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, ऑलवेज अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स सम सम इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अ एक्यूट एंगल विद द लाइन ऑफ फोर्स। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा कि अगर माना ये लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ, माना अगर ये क्यू चार्ज होता प्लस क्यू चार्ज होता, देखो भाई ध्यान से, अगर ये प्लस क्यू चार्ज होता तो ऐसे जाता, और अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता बेटा, अगर ये माइनस क्यू होता तो इसी लाइन में अपोजिट आता, लेकिन जाता लाइन ऑफ फोर्स पे ही, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरफ जा रही हैं या तो उसी के साथ जाएगा या जस्ट उसके अपोजिट आएगा, ऐसा नहीं मुड़ेगा, इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, जिस तरफ आपकी लाइन ऑफ फोर्स जाएंगे आपका जो चार्ज पार्टिकल है सेम उसी तरफ जाएगा। समझ गए, क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जरा बताइए क्या लिखा, अनइक्वल स्फीयर ऑफ मेटल है ना, अनचार्ज अनइक्वल अनचार्ज था पहले, इसको रखा टू चार्ज प्लेट के बीच में, देखो ऐसे रखा एक प्लस और एक क्या है माइनस है, ऐसा रखा ये पहले अनचार्ज था, ठीक है। अब आप बताना लाइन ऑफ फोर्स लुक लाइक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा बताइए कैसे होगा सर। आप देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज बॉडी के नजदीक में आएगी तो ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, और यदि चार्ज शिफ्ट करते हैं तो अगर प्लस है तो इस किस तरफ क्या आएगा बेटा निगेटिव आ जाएगा, है ना भाई, प्लस के नजदीक रखोगे तो निगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्या दिक्कत समझ में बात का, सेम हर जगह होगा ना ये सब आपका हर जगह होगा सर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, क्या बात समझ में बात हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इस बात का तो क्लियरिटी सर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव जाती हैं, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे ये तो ठीक है पॉजिटिव, लेकिन जाएंगी कैसे, क्योंकि बेटा ये स्फेयर है, यहां से जाते हैं रेडियली इनवर्ट और रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट आप मेरा जस्ट प्रीवियस लेक्चर देखिए, जस्ट प्रीवियस लेक्चर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो आपके स्फेयर होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड जाती हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो रेडियली आउटवर्ड जाएंगी और नेगेटिव चार्ज हैं तो रेडियली इनवर्ड जाए, मतलब अगर आप उन लाइन को ज्वाइन करेंगे पीछे करेंगे तो सेंटर पे मीट करनी चाहिए। तो स्फेयर को दिखाने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कुछ इस तरीके देखो पॉजिटिव से क्या आएंगे निगेटिव, पॉजिटिव से क्या आ रही है
निगेटिव आ रहे हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव और फिर यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। और ये वाला कौन सा दे रखा आपको, सी दे रखा, समझ गया बात को। यानी कि अगर कोई स्पेयर ऐसा रखा है तो ये वाला इलेक्ट्रिक लाइन शो करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे फिर इस पॉजिटिव से ये निगेटिव जाएंगे, समझ गया आप बात को। तो उम्मीद है आज आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने ये वही क्वेश्चन लिए हैं बेटा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले समय में भी कुछ इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, यहाँ पे बहुत मजे से हम फिजिक्स पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूटी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ सॉल्व करते चलेंगे। एक और खास बात, अगली बार जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेगा, इसलिए वो बच्चे ये ना सोचें कि यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखवाया जा रहा सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।